जय भीम साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को बताई थी ये 15 खास बातें जो आपको भी जाननी चाहिए। यदि आप बाबा साहेब अंबेडकर को मानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बाबा साहब अंबेडकर की वो 15 सबसे अच्छी बातें, आइए जानते हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुयायियों से 3 महत्वपूर्ण बातों पर अमल करने और उन पर चलने की अपील की थी। आइए जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था। नंबर 1, उन्होंने शिक्षा, संगठन और संघर्ष को वंचितों के लिए अति आवश्यक बताया था। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यहाँ पर एक शब्द मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा, संविधान बचाओ। नंबर 2, सच्चे देशभक्त थे डॉक्टर अंबेडकर। मैं मानता हूं कि उच्च कहे जाने वाले हिंदुओं के साथ मेरा कुछ बातों में मतभेद है, लेकिन मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश की रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। नंबर 3, डॉक्टर अंबेडकर ने कराया आत्मसम्मान का एहसास। भारत में निम्न मानी जाने वाली अछूत शूद्र दलित जाति हिंदुओं में गिनती के लिए तो माने जाते हैं, मगर उनको हिंदुत्व ने ढोल, गंवार और पशु की श्रेणी से भी नीचे का दर्जा दिया हुआ है। गाय को चाहे माता का दर्जा मिला हो, मगर जीव विज्ञान में वह जानवरों की श्रेणी में ही गिना जाएगा। गाय को पूजना परम धर्म बना हुआ है कट्टर हिंदुओं का, और विडंबना यह है कि हिंदू होकर भी दलित शूद्र गाय के बराबर पवित्र नहीं है। हिंदुत्व की किताबों और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। नंबर 4, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने वंचित तबके में स्वाभिमान जगाने के लिए अकेले संघर्ष किया। मैं दलितों के राजकीय शूद्रत्वों को दूर तो करूंगा ही, परंतु इसके साथ ही रक्त की अंतिम बूंद तक संघर्ष करते हुए उनमें आत्मसम्मान का एहसास पैदा करा दूंगा और भविष्य में हिंदुओं के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व को चलने नहीं दूंगा। नंबर 5, ये बाबा साहब अंबेडकर ने सच करके भी दिखा भी दिया। संविधान लिखकर इतना संघर्ष से और दृढ़ प्रतिज्ञा की थी बाबा साहब ने, देश के दलितों के लिए, वंचितों और पिछड़ों को स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन क्या हम आज उनके इस स्वाभिमान को बरकरार रखने में सफल हो पाए हैं? नंबर 6, गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था जानिए। गोलमेज सम्मेलन में भारतवर्ष के वंचितों, दलितों और पिछड़ों की आवाज को ब्रिटिश क्राउन के सामने रखते हुए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं जिन अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में यहां उपस्थित हुआ हूं, उनकी संख्या हिंदुस्तान की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है, जो ब्रिटेन और फ्रांस की कुल जनसंख्या के बराबर है। ऐसे भारत की कुल जनसंख्या के 1/5 भाग के लोगों के प्रतिनिधि की हैसियत से मैं यहां आया हूं, जिनकी दशा गुलामों से भी बदतर है और घृणित और पशुवत जीवन यापन कर रहे हैं। नंबर 7, गुलामों के मालिक उनको छूते थे, परंतु हमें छूना भी पाप समझा जाता है। वह सदियों से शोषित है और उपेक्षित होता आ रहा है। सरकारें बदली, राज्य बदले, परंतु दलितों का भाग्य बद से बदतर ही होता चला गया। ब्रिटिश राज्य से पहले अस्पृश्यता के कारण हम घृणित अवस्था में थे। ब्रिटिश सरकार ने हमारी हालत सुधारने के लिए क्या कुछ किया? पहले हम गांव के कुएं से पानी भर नहीं सकते थे, आज भी वही स्थिति है। क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें वह अधिकार दिलाया? ब्रिटिश राज्य से पूर्व हम मंदिरों में नहीं जा सकते थे, और आज भी मंदिरों के द्वार हमारे लिए बंद है। फिर ब्रिटिश सरकार ने हम अछूतों के अधिकार के लिए क्या किया? पहले हमें पुलिस विभाग में भर्ती नहीं किया जाता था, क्या अब ब्रिटिश सरकार हमें पुलिस में भर्ती करती है? नंबर 8, उन्हीं के देश में जिन्होंने इस हिंदुस्तान को 3 सदियों तक गुलाम बनाए रखा था, उन्हीं के सामने इतनी दृढ़ता से इस देश के करोड़ों दलितों की आवाज बनकर बाबा साहेब ने ब्रिटिश सरकार से देश के दलितों के लिए कम्युनल अवार्ड प्राप्त किया था। मगर अफसोस की बात है कि गांधी और अन्य अतिवादी या कट्टरवादी हिंदुओं के दबाव के कारण बाबा साहेब को भारत के करोड़ों दलितों के सामने गांधी के प्राणों को बचाने की चुनौती थी। उन्हें 24 अक्टूबर 1932 को पूना पैक करने पर मजबूर होना पड़ा था। इसको आप भुला पाएंगे क्या? नंबर 9, हिंदू धर्म में पैदा होने पर
डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था जानिए। मैं अस्पृश्य जाति में जन्मा, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं था, क्योंकि यह किसी के बस की बात नहीं होती, परंतु यह मेरे हाथ में है कि मैं किस धर्म में रहकर मरूं। इसलिए आश्वस्त होते हुए कहता हूं कि मेरी मृत्यु हिंदू धर्म में रहते हुए नहीं होगी। नंबर 10, बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल पर क्या कहा जानिए। आप हिंदू प्रणाली, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज की रक्षा करना चाहते हैं, तो उसमें जो विकृतियां आ गई हैं उसको सुधारने में तनिक भी हिचकिचाहट न करें। हिंदू कोड बिल हिंदू प्रणाली के केवल उन्हीं अंशों का सुधार चाहता है जो विकृत हो गए हैं। नंबर 11, हिंदू धर्म छोड़ने की जिद पर क्या कहा बाबा साहेब ने जान लीजिए। मेरे सामने यदि साक्षात ईश्वर भी आकर कहे कि हिंदू धर्म मत छोड़ो, तो मैं उसकी भी नहीं सुनूंगा। नंबर 12, गांधी और कांग्रेस पर क्या बोले थे बाबा साहब। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने क्या प्रतिक्रिया दी थी, आइए जानते हैं। स्पृश्य हिंदुओं के बहुमत के आधार पर गांधी जी और उनकी कांग्रेस ने मेरा और मेरे पक्ष का राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया। नंबर 13, चुनाव हारने के बाद क्या बोले थे डॉक्टर अंबेडकर। ऐ मेरे समाज के लोगों, तुम कांग्रेस के चार आने के भी सदस्य मत बनना। नंबर 14, संगठन के बारे में क्या कहा था बाबा साहेब ने जानिए। यदि तुम्हें कोई अपने महलों में बुलाता है तो तुम खुशी से जा सकते हो, किंतु तुम अपनी झोंपड़ी में आग लगाकर मत जाना, क्योंकि अगर किसी दिन राजा से तुम्हारा झगड़ा हो गया और उसने तुम्हें अपमानित करके अपने महल से निकाल दिया तो तुम कहां रहोगे। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं, तुम बिकना चाहते हो तो बिक सकते हो, किंतु अपने संगठन को बर्बाद मत करना, मुझे अपनों से ज्यादा तुम्हारा खतरा है। नंबर 15, समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। डॉक्टर ने अपने समय में कहा, कांग्रेस हमेशा जीतती है, लेकिन कोई आश्चर्य नहीं करता कि कांग्रेस क्यों जीतती है। इसका उत्तर यह है कि कांग्रेस बेहद लोकप्रिय है, लेकिन कांग्रेस क्यों लोकप्रिय है? सच्चाई यह है कि कांग्रेस हमेशा उन जातियों से उम्मीदवार बनाती है जो निर्वाचन क्षेत्रों में बहुमत रखती हैं। जाति और कांग्रेस का घनिष्ठ संबंध है। जाति व्यवस्था का शोषण करके ही कांग्रेस जीतती है। जब पेशेवर लोग डॉक्टर अंबेडकर का व्यापक दृष्टिकोण और निष्पक्ष दृष्टिकोण से विश्लेषण करना शुरू करेंगे तो लोगों को वास्तविकता की गहरी समझ प्राप्त होगी और वे महसूस करेंगे कि वे हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे, बल्कि सामाजिक प्रासंगिकता की कुछ प्रथाओं में रचनात्मक संशोधन करने की सच्ची सोच रखते थे। इस शानदार देशभक्त और मानवता के महान नेता को नमन। यदि आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो लाते रहें, तो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करें। दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक मदद भेज सकते हैं, जो कि इस समय हमें इसकी बहुत ही आवश्यकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहेब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।